हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। बहुत सारी ओपनिंग्स चेस में, इतनी अनगिनत ओपनिंग है, आप सीखते सीखते थक जाओगे दोस्तों। बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। आज मैं आपको एक बढ़िया लाइन बताने जा रहा हूँ, जो नॉर्मल प्लेयर, जैसे कि आप में से कोई प्लेयर e5 खेलना पसंद करता है, e4 अगेंस्ट, और कोई लाइन उनको पसंद ही नहीं है e4 e5, तो उसके बारे में डिटेल में मैं आज एक बढ़िया सी लाइन आपको सिखाऊंगा e5। लेकिन ये लाइन तभी पॉसिबल होगी कि व्हाइट बिशप ओपनिंग करे। देखते हैं यहां पे e4 e5 नाइट f3, ये तो यूजुअल रेगुलर मूव है। Nc6 ये भी आप बोलोगे रेगुलर है। यहां पे बिशप B5 होता है तो रोई लोपेज होता है, तो ये लाइन आपके काम में आने वाली नहीं है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना दिया है। लेकिन बिशप C4, इस लाइन में आपको एक बढ़िया सी जबरदस्त ट्रैप दिखाऊंगा। ट्रैप यानी कंप्लीटली ये ट्रैप नहीं है, ओपनिंग ही है समझ लो। मूव परफेक्ट अगर व्हाइट नहीं खेलता है तो कंप्लीटली ब्लैक के हाथ में ये गेम होती है। बिशप ओपनिंग में नाइट f6, दोस्तों नाइट f6 के बाद मोस्टली प्लेयर नाइट g5 जो अर्ली अटैक का चांस लेना चाहते हैं, जो f7 पे टारगेट होता है। इसके बारे में एक मेन मूव जो है वो तुरंत d5, और इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, इट इज d5 देन काउंटर अटैक b5। ये भी आप ट्राई करोगे बहुत मजा आएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रिस्की लाइन बताऊंगा, लेकिन रिस्क सिर्फ आपके लिए नहीं, वाइट के लिए है। देखिए Nf7 जो f7 पे अटैक कर रहा है, नाइट g5 के बाद एक ब्रिलियंट चॉइस बिशप c5। अब इसके बारे में लगातार मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा, एक भी मूव आप मिस नहीं करोगे। आप अपने बुक में लिख के रखे पूरी ओपनिंग स्टेप बाय स्टेप। अब देखो यहां से दो ऑप्शन है दोस्तों, एक तो नाइट f7 फॉर्क, और दूसरा जो ऑप्शन है बिशप से चेक देके किंग मूव करके फिर बिशप b3 और पॉन प्लस होके खेलना और आपके किंग को डिस्टर्ब करना। दो ऑप्शन है। आप सोचोगे ये तो व्हाइट के लिए काफी अच्छी लाइन है, लेकिन नहीं, यहां पे व्हाइट से बेटर ब्लैक खेलेगा। देखो बिशप c5, चलिए दोनों ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं वन बाय वन। नाइट f7, अब यहां पे जबरदस्त अटैकिंग मूव, आपके क्वीन पे अटैक है, रुक पे अटैक है, बिशप टेक्स f2 सैक्रिफाइस। वन बाय वन सारे मूव में बताऊंगा क्या होता है अगर किंग f2 करता है, क्या होता है अगर किंग मूव कर लेता है, तब भी हम देखेंगे। किंग अगर बिशप को कैप्चर नहीं करता तो क्या होता है, तो चलिए पहले देखेंगे। मोस्टली लोग खेलने में बिशप मार ही देंगे किंग इंटू f2, ये समझ के हम चलते हैं। किंग f2 में दूसरी मूव आपकी होगी नाइट e4। अब ये मूव फोर्स है, देखो नाइट f7 के बाद आपके दोनों मूव फोर्स से जो व्हाइट की ओर से रिप्लाई देना पड़ेगा। अब क्या होगा, यहां से सेवंथ मूव, याद रखो सिक्स मूव हो चुके हैं कंप्लीटली, अब यहां से सेवंथ मूव कितनी चॉइस है, टोटल 5 चॉइस है दोस्तों, 5। तो नाइट चेक के बाद एक चॉइस है किंग f3, दूसरी चॉइस है किंग g1, तीसरी चॉइस है किंग e2, एक और चॉइस है किंग e1, और लास्ट में किंग f1। तो इतनी सारी चॉइस के रिप्लाई अलग अलग है, ध्यान रखो। अगर आपने परफेक्ट क्लियर कर दिया
तो ये ओपनिंग आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगी। चलिए पहले से वन बाय वन देखते हैं। पहले सेवंथ मूव में देखते हैं किंग एफ थ्री अगर नाइट पर अटैक करता है, यहां आप मेटिंग अटैक सोच सकते हो। क्वीन एफ सिक्स आफ्टर किंग टेक्स नाइट, उसके बाद डी फाइव। देखो यहां पे किंग टेक्स डी फाइव पॉसिबल नहीं है। किंग डी फाइव में नाइट बी फोर चेकमेट आता है, जैसे किंग टेक्स डी फाइव किया तो नाइट बी फोर और उसके बाद अर्ली मेट आती है। जैसे कि बिशप डी फाइव किया तो बिशप डी फाइव, इसमें आप क्वीन एफ फोर चेक दीजिए। किंग डी थ्री ओनली ऑप्शन है, क्वीन डी फोर चेक, किंग ई टू, क्वीन टेक्स डी फाइव। अब ये नाइट आपको मिल रहा है, बिशप तो आपने ले ही लिया है। नाइट एच एट अगर उसे एक्सचेंज में प्लस रहना है तो नाइट एच एट ओनली ऑप्शन है, और उसके बाद बिशप जी फोर, और यहाँ पे आपको क्वीन मिल जाएगी और सिंपल विनिंग है। सेवंथ मूव में क्वीन किंग एफ थ्री के बारे में आपने देख लिया। चलो किंग एफ थ्री छोड़ दो, दूसरा ऑप्शन क्या है, किंग ई टू। अब किंग ई टू उसमें दो ही मूव में आप विन हो रहे हो, जैसे कि नाइट डी फोर चेक, किंग ई थ्री और क्वीन एच फोर। मेटिंग अटैक है, मेटिंग टू यहां पे दिख रही है आपको। चलिए दो ऑप्शन आपने देख लिए कि ब्लैक की और से कंप्लीटली विनिंग है। यहाँ आप साइड में ग्राफ देख सकते हो दोस्तों, जो ये जो पट्टी है, सॉरी ये कंप्लीटली ब्लैक विनिंग बता रहा है। ब्लैक व्हाइट के लिए थोड़ी सी ही जगह है, यहां देखो इक्वल हो गया थोड़ा सा। तो बिशप एफ टू किंग एफ टू के बाद नाइट ई फोर, अब दूसरा जो ऑप्शन है किंग ई वन देखते हैं। किंग ई वन में आप क्या करोगे, किंग ई वन आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, क्वीन एच फोर चेक आएगा, व्हाइट खेलेगा जी थ्री, यहां नाइट सेक्रीफाइस, नाइट टेक्स जी थ्री, पॉन टेक्स जी थ्री में आपको सिंपल रुक वापस मिल रहा है, और रुक एफ एट से आप सारे पीसेस बचा भी सकते हो, प्लस हो रहे हो। तो यहां पे व्हाइट के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, नाइट टेक्स एच एट, आपका रुक लेना। चलिए यहां आपको खेलना है नाइट ई फोर। अब ये फोर सारे चेकमेट के मूव्स है, देखो पूरा ब्लैक का हो गया कंप्लीट। यहां पे व्हाइट के लिए जरा भी जगह नहीं, जीतने के चांसेस ही नहीं। किंग के पास ओनली ऑप्शन है ई टू, क्योंकि यहां गया तो क्वीन एफ टू मेट है। किंग ई टू के बाद यहां पे आपको क्वीन एफ टू चेक देना है, किंग डी थ्री ओनली ऑप्शन, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप चेकमेट भी कर सकते हो, और यहां पे अटैक करके जैसे कि ये और स्क्यूअर क्वीन टेक्स बिशप या डी फोर करके, मतलब ये पोजीशन कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में है। किंग एफ वन के बारे में क्या होता है देखते हैं। चलिए नाइट ई फोर के बाद किंग एफ वन, किंग एफ वन में भी आपको खेलना है क्वीन एच फोर। अब यहां से मेट की थ्रेट है। अब देखो यहां पे जी थ्री अगर किया तो सिंपल नाइट टेक्स जी थ्री हो रहा है, फोर्क हो रहा है चेक के साथ, तो व्हाइट ट्राई करेगा क्वीन ई वन एक्सचेंज के लिए। क्वीन ई वन में एक बढ़िया सा मूव नाइट जी थ्री सेक्रीफाइस, अब उसे तो पॉन से ले नहीं सकता, रुक मर रहा है, तो क्वीन टेक्स जी थ्री, और यहां पे आपको क्वीन सी फोर चेक। व्हाइट यहां पे
मतलब आप क्वीन C4 भी कर सकते हो, और भी ऑप्शन है यहाँ से, क्वीन टेक्स नाइट वगैरह, तो ये कम्प्लीटली आपके फेवर में है, ब्लैक के फेवर में। तो दोस्तों ये था आज का वेरिएशन, अगले वीडियो में और भी वेरिएशन मैं आपको बताऊंगा। तो इसके मैं हो सकता है 3 वीडियो बनाऊं, तो सभी वीडियो आप कंटिन्यूस देख लीजिए, तो ये लाइन के सारे वेरिएशन आपको मिल जाएंगे।